दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। इस टॉपिक को दो भागों में कवर करेंगे। यह इस टॉपिक का पहला भाग है जिसमें हम रोमन साम्राज्य का आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, अगस्त का शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही रोमन साम्राज्य की कला और साहित्य भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका इंट्रोडक्शन। ईरान तथा रोम के दो प्रबल साम्राज्यों ने ईसा के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के काल में यूरोप के अधिकतर भाग, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्वी एशिया पर शासन किया। इसका अर्थ है कि दोनों साम्राज्यों का अधिकार क्षेत्र तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोम साम्राज्य तथा ईरान साम्राज्य एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। यह दो साम्राज्य अपने शासनकाल में आपस में बहुत समय तक आपसी युद्धों में व्यस्त रहे। यह दोनों साम्राज्य एक दूसरे के पड़ोसी थे। इन दोनों को फरात यूफ्रेटिस नदी के साथ लगने वाला भूमि का एक क्षेत्र अलग करता था। इस अध्याय में हम विशेषकर रोमन साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, परंतु इसके प्रतिद्वंद्वी ईरानी साम्राज्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। रोमन साम्राज्य के इतिहास के अध्ययन के स्रोत रोमनों के इतिहास के अध्ययन के लिए अनेक बहुमूल्य स्रोत हैं जिन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं। पाठ्य सामग्री, एक प्रलेख अथवा दस्तावेज, ई भौतिक अवशेष। आई पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में मुख्य रूप से समकालीन विद्वानों द्वारा लिखा गया वृत्तांत शामिल है। इन्हें वर्ष वृत्तांत, एनल्स, कहा जाता है क्योंकि यह वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। इसी श्रेणी में धर्मोपदेश, व्याख्यान तथा प्रवचन रखे गए हैं। यह हमें तत्कालीन रोम के राजनीतिक संगठन, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास तथा सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। एक प्रलेख अथवा दस्तावेज। प्रलेख अथवा दस्तावेज मुख्य रूप से पत्थर की शिलाओं पर खुदे लेख अथवा पेपायरस के पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यह प्रलेख पत्थरों पर खुदे हुए थे, इसलिए यह नष्ट होने से बच गए हैं। इस कारण विद्वान इन्हें विश्वसनीय स्रोत समझते हैं। पेपायरस मिस्र में उगने वाला एक सरकंडा पौधा था जो कि नील नदी के किनारे उगता था। इससे लेखन सामग्री बनाई जाती थी। पेपायरस पर लिखित संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र तथा सरकारी दस्तावेज बहुसंख्या में प्राप्त हुए हैं। अब इन सबको प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा पेपायरोलॉजिस्ट अथवा पेपायरस शास्त्री के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। ई भौतिक अवशेष। पुरातत्ववेताओं को खुदाई तथा क्षेत्र सर्वेक्षणों के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुएं जैसे कि भवन, स्मारक, ताज, अन्य संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, पच्चीकारी का सामान आदि भौतिक अवशेषों में शामिल हैं। इन सभी द्वारा समकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। एक रोमन कथा के अनुसार रोम नामक बस्ती की नींव इटली के प्रायद्वीप में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ताबर नदी के बाएं किनार पर दो जुड़वा भाइयों रोमुलस तथा रेनस ने रखी। कहानी से वास्तविकता की ओर आते हुए विद्वानों का विश्वास है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में ताबर घाटी पहाड़ियों में एक छोटी लेटिनी बस्तियों में रहने वाले लोगों ने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ वे इकट्ठे मिलकर विचार विमर्श कर सकते थे। इस स्थान को फोरम कहा जाता था, जिसके इर्द गिर्द बाद में रोम का नगर बस गया। रोम एक बहुत उपयुक्त स्थान पर स्थित था जहां से नदी को आसानी से पार किया जा सकता था तथा पहाड़ियों एवं दलदलों ने इसको बहुत सुरक्षा प्रदान की हुई थी। रोम की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे व्यापारी तथा कारीगर इस नगर में आकर बसने लगे। रोम के लोगों ने अपने कई पड़ोसी नगरों पर अधिकार कर लिया तथा रोम के बहुत से लोग वहां जाकर बसने लगे। आरंभ में रोम पर राजा शासन करता था। 509 BC में रोम की जनता ने अपने शासक को देश से निकालकर उन्होंने उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की जो कि लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित था। शासन की वास्तविक शक्तियों एक सेनेट नामक संस्था के पास थी। उस संस्था पर कुछ धनवान परिवारों के छोटे से समूह का नियंत्रण था जो कि वास्तव में एक कुलीन और भद्र परिवारों का समूह था, परंतु रोम की सरकार में साधारण लोगों की अपेक्षा उच्च वर्ग के लोगों का नियंत्रण था। रोम के लोगों ने इटली तथा रोम सागर पर अधिकार कर लिया था।
जूलियस सीजर, जूलियस सीसर के दत्तक पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने तख्ता पलट दिया और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली तथा ऑगस्ट नाम से 27 ई.पू. में रोमन साम्राज्य का सर्वशक्तिमान शासक बन गया। उसके शासनकाल में रोम विश्व का सबसे प्रबल और शक्तिशाली राज्य था। 27 ई.पू. में गणतंत्रवादियों का पतन हो गया और एक गणतंत्रीय साम्राज्य बन गया। 27 ई.पू. से 600 ई. तक रोमन साम्राज्य का राजनीतिक तथा आर्थिक विकास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द रोमन एम्पायर फ्रॉम 27 BC to 600 BC। 27 ई.पू. में रोम गणराज्य की संसद में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन को ऑगस्ट इंपेरेटर की उपाधियों से सुशोभित किया गया, जिसका अर्थ था कि रोम एक गणराज्य के स्थान पर साम्राज्य बन गया था। दिखावे के तौर पर ऑक्टेवियन प्रथम नागरिक लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स एक गणतंत्रीय उपाधि धारण करना चाहता था, परंतु वास्तव में वह रोमन साम्राज्य के सम्राट की भांति रहता था। ऑगस्ट्स का शासनकाल रिफ ऑगस्टस ऑक्टेवियन ऑगस्ट्स ने रोम के लोगों तथा विश्व के अन्य देशों को रोम की सभ्यता के लाभ पहुँचाए। उसके शासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। एक, सम्राट एम्परर ऑगस्ट्स देश का एक तानाशाही सम्राट नहीं बनना चाहता था। इसका कारण यह था कि वह सनद सेनेट का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि यही संस्था रोम के शासन पर नियंत्रण रखती थी, जबकि रोम एक गणतंत्रीय राज्य था। यह संस्था कई शताब्दियों से चलती आ रही थी। इसके अधिकांश सदस्य कुलीन तथा धनी परिवारों से संबंध रखते थे, परंतु बाद में संस्था में इटली के बड़े बड़े जमींदार भी शामिल हो गए। रोमन साम्राज्य के सबसे बदनाम सम्राट वे थे जो सेनेट के विरोधी थे। उनका व्यवहार संदेहपूर्ण था तथा वह हिंसा और अत्याचार करने के समर्थक थे। दो, सैनिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी साम्राज्य की एक और महत्वपूर्ण संस्था साम्राज्य की सेना थी। रोमन साम्राज्य की सेना एक सुसंगठित सेना थी तथा इसके सैनिकों को कम से कम 25 वर्ष तक सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। इसके विपरीत ईरानी सैनिकों को बलपूर्वक भर्ती किया जाता था। रोमन सेना को नियमित रूप से वेतन दिए जाते थे। 4वीं शताब्दी तक रोम के सैनिकों की संख्या 6 लाख हो गई थी। ऑगस्ट ने रोम की सेना में रोम के साधारण लोगों को भर्ती किया तथा उच्च श्रेणी के लोगों को सेना में उच्च अधिकारी नियुक्त किया। उसने राज्य की सभी सीमाओं की रक्षा के लिए तथा देश के भीतरी भागों में शांति बनाए रखने के लिए सेना का संगठन किया हुआ था। रोम में ऑगस्ट्स ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी 6 सैनिकों की टुकड़ी प्रिटोरियन गार्ड्स रखी हुई थी। उसने एक स्थायी नौसेना का गठन किया। ऑगस्ट स्वयं सैनिक प्रबंध की देखभाल करता था। ऑगस्ट्स ने अपनी नई परीक्षित सेना को अपना पूर्ण स्वामी भक्त बना लिया। उसने अपने सैनिकों को उसके प्रति स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई और उसने उनको विश्वास दिलाया कि वह उनको वेतन देने तथा सेवा मुक्ति के पश्चात उनके हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। संक्षेप में वह अपने सैनिकों का संरक्षक था। उसने अपने परिवार के सदस्यों तथा अपने निकटतम संबंधियों को सेना में उच्च अधिकारी नियुक्त किए हुए था। उसने अपनी सेना को युद्धों में व्यस्त रखने के लिए स्पेन आल्पस पर्वतीय क्षेत्रों राइन तथा डैन्यूब नदियों के आसपास के क्षेत्रों राइन नदी के पार जर्मनी राज्य की सीमाओं के साथ साथ बहुत स्थानों पर भेजा। जब कभी उसकी सेना फ्रांस या पूर्व में युद्धों में व्यस्त नहीं होती थी, तब राजनीतिक झगड़ों को निपटाने का काम सेना को सौंप दिया जाता था। 3, प्रशासकीय सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ऑगस्ट ने रोमन साम्राज्य की प्रशासकीय प्रणाली में भी कई प्रकार से सुधार किए। देश के आंतरिक प्रशासन में यद्यपि सेनेट सर्वोच्च स्थान पर था, परंतु अब उसकी वैसी स्थिति नहीं रही। अब वह केवल एक सरकारी अधिकारियों की सभा के समान थी, जिस पर ऑगस्ट का पूर्ण नियंत्रण था। ऑगस्ट ने सेनेट की स्थिति को और अधिक निर्बल नहीं बनाया। उसने सेनेट के सदस्यों को नई ऊंची पदवियों जैसे कि जलमार्गों के ऊपर बने पुलों के नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक तथा नगरों के सबसे ऊंचे पदों आदि पर नियुक्त किया। ऑगस्ट ने अपने शासनकाल में सदा ही सेनेट में सरकारी कार्यों में विचार विमर्श किया और इसके सदस्यों को सम्मान दिया। ऑगस्ट ने सेनेट के अतिरिक्त दूसरे महत्वपूर्ण लोगों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ऑगस्ट के सुधारों का मुख्य लक्ष्य स्थायी पदवियां स्थगित करना था, जिन पर स्थायी रूप में नियुक्तियां की जाती थी। यह प्रणाली गणतंत्रात्मक
प्रणाली से भिन्न थी, जिसमें नियुक्तियां लंबे समय के लिए नहीं की जाती थी बल्कि पदाधिकारियों की कुछ समय के पश्चात अदला बदली होती रहती थी। ऑगस्ट के राज्यकाल में प्रांतों को भी बहुत लाभ पहुंचाया गया। उसने प्रांतों में न केवल अमन शांति स्थापित की बल्कि इसके अतिरिक्त अच्छा प्रशासन भी दिया। ऑगस्ट ने अपनी देखरेख में केंद्रीय न्याय प्रणाली स्थापित की। उसने अपने प्रांतीय गवर्नरों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया और भ्रष्ट तथा लालची गवर्नरों को कड़े दंड दिए।